सोनू सूद के नाम पर हो गया ठगी, साइबर ठगों ने अकाउंट को कर दिया खाली। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अभिनेता सोनू सूद से बीमार शिक्षक ने ट्विटर के माध्यम से मदद मांगी। ठग ने इसका बड़ा फायदा उठा लिया। साइबर ठगों ने शिक्षक के अकाउंट को ही खाली कर दिया। एक और अभिनेता सोनू सूद के द्वारा असहाय लोगों की मदद के लिए लगातार अपना हाथ आगे बढ़ाकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं अब ठगों की नज़र सोनू सूद से मदद मांगने वाले लोगों के ऊपर पड़ चुकी है। गौरतलब है कि झारखंड का जामतारा के बाद नालंदा जिला का कतरीसराय प्रखंड का मायापुर ठगों की नगरी से मशहूर है। इन्हीं इलाकों से ठगी का बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे बिहार झारखंड तक ऑपरेट हो रहा है। कहीं ना कहीं सोनू सूद जैसे अभिनेता व समाज सेवी को बदनाम करने के लिए ठगों ने नया बीड़ा उठाया है। ताजा मामला भी नालंदा जिले का है, जहां अभिनेता सोनू सूद से इलाज के लिए मदद मांगना एक बीमार शिक्षक को महंगा पड़ गया। इस मदद को साइबर ठगों ने उनके अकाउंट को खाली कर दिया। मामला नगर थाना इलाके के द्वारिका नगर मोहल्ले का है। शिक्षक शुभम कुमार पिछले एक साल से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। वर्ष 2021 में कोरोना संक्रमित होने के बाद उसका फेफड़ा पूरी तरह संक्रमित हो गया। चेन्नई स्थित MGM हेल्थ केयर में उसका फेफड़े ट्रांसप्लांट के लिए 45 लाख रुपए की मांग किया गया। तब से वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर बिहार शरीफ में किराए के मकान में रह रहा है। अपने इलाज के लिए वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुका है, पर किसी ने उसकी सुध नहीं लिए। मदद की आस में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट कर उसने इलाज की गुहार लगाई थी। शनिवार की देर शाम उसके मोबाइल पर किसी अनजान शख्स ने फोन कर अपने आप को सोनू सूद का मैनेजर बोलकर उसे एक लिंक भेजकर रजिस्ट्रेशन करने को कहा, जिस पर पीड़ित को कुछ शक हुआ तो अकाउंट से 2000 रुपये छोड़कर सारा रुपये उसने पीड़ित अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 2000 रुपया रहने के बाद उसने जब दिए गए लिंक को डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किया तो कुछ देर बाद उसके अकाउंट से वह रुपये भी गायब हो गया। उसके बाद पीड़ित शिक्षक का माथा ठनका और अपने आप को ठगा महसूस किया। पीड़ित की मां की माने तो उनका पुत्र जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। हर दिन 4 घंटे ऑक्सीजन के स्पॉट पर रखना पड़ता है। पुत्र के इलाज के लिए अपना खेत तक बेच चुके हैं। घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य उनका बड़ा पुत्र शुभम ही था, जो कोचिंग चलाकर अपने बुजुर्ग माता पिता का भरण पोषण करता था। उन्हें अपने पुत्र के इलाज के लिए किसी रहनुमा की जरूरत है, जो उनके इलाज में मदद कर सके। राष्ट्रपति जी के यहाँ लिखा है, प्रधानमंत्री जी से भी मांगे हैं, हमको अभी तक मदद नहीं मिला है। हम PGI चंडीगढ़ में इलाज कराए हैं, अभी हाल फिलहाल हम भर्ती हुए हैं सर MGM चेन्नई में। मेरा फेफड़ा खराब हो गया है, डॉक्टर बोला है ट्रांसप्लांट का आवश्यकता है, 45 लाख रुपया खर्च होगा। तो जो मेरा चेला लोग है वो सब तहसील रहा है, इसमें 27,000 रुपया मेरे पास आया है सर, अभी तक तसला करके दिया है मेरे अकाउंट पर। वो सर अभी व्हाट्सएप पर फ्लैश कर रहा है ये चीज़। इसी बीच हम सोनू सूद के यहाँ ट्वीट करवाए थे, तो एक आदमी वो ट्वीट को उठा लिया कोई बीच में, और फिर हमको वो लिंक भेजा, और लिंक भेज करके वो हमसे पेटीएम पर लिंक भेज के 1 रुपया कटवाया, और कटवा करके वो मेरा अकाउंट साफ कर दिया। अभी व्हाट्सएप पर देखते हैं तो फोटो सोनू सूद का ही है।